शिव कौन है? शिव के लिए लिंग या ज्योतिर्लिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है? कृष्ण के साथ अष्टमी और राम के साथ नवमी तिथि जुड़ी हुई है, परंतु शिव के साथ रात्रि ही जुड़ी हुई है, कोई तिथि क्यों नहीं जुड़ी है? शिव के साथ शालिग्राम कौन है? अन्य सभी देवताओं पर अच्छे और स्वादिष्ट प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, परंतु शिव पर अक का फूल और धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शिव की मूर्ति शरीर रहित है, परंतु उनका वाहन नंदी शरीरधारी क्यों है? इत्यादि शिवरात्रि से जुड़े प्रश्नों पर विवेक युक्त और यथार्थ ढंग से वर्तमान परिस्थितियों में चिंतन करने की आवश्यकता है, तभी महाशिवरात्रि के पर्व को यथार्थ ढंग से मनाकर संसार को सही दिशा दी जा सकती है एवं मानव मन में व्याप्त अज्ञानता और तमोगुणी आसुरी संस्कारों का शमन किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के संबंध में सबसे अनोखी बात यह है कि इसका संबंध निराकार अशरीरी परमात्मा से है, जबकि अन्य सभी त्योहारों, पर्वों अथवा जयंतियों का देवताओं, पौराणिक महापुरुषों के जीवन से संबंध होता है। अतः शिवरात्रि परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण की यादगार है। परमात्मा शिव सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हैं। गीता में भगवान ने इस संबंध में कहा है, जो मुझे मनुष्यों की भांति जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं वे मूढ़ मति हैं। पुनः वे कहते हैं, मेरे दिव्य जन्म के रहस्य को न महर्षि न देवता जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा प्रकृति के तत्वों के अधीन कोई सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं हो सकता। प्रायः सभी धर्मों के लोग निर्विवाद रूप से परमात्मा को ज्योतिर्बिंद स्वरूप और अशरीर तथा जन्म मरण रहित तो स्वीकार करते हैं। अतः शिव का अन्य भाषांतर गॉड, खुदा, ओंकार इत्यादि है और शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण दिवस की यादगार है। शिव के साथ रात्रि का संबंध, यह तो सभी धर्मानुयायी मानते हैं कि परमात्मा का अवतरण पापाचार, अधर्म और अज्ञानता का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के महान कर्म के निमित्त ही होता है। परमात्मा के अवतरण के काल और कर्म के संबंध में गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। उपयुक्त पंक्ति से स्पष्ट है कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म अर्धग्लानि के समय अधर्म के विनाश के लिए होता है। यदि वर्तमान संसारिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो चारों ओर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रष्टाचार में डूबा समाज अधर्म और धर्मग्लानि का ही समय है। जिस समाज में भ्रष्टाचार जीवन में शिष्टाचार बन गया हो, उसे धर्मग्लानि का काल नहीं तो और क्या संबोधित कर सकते हैं। तो शिव के साथ रात्रि का जो संबंध है, वह परमात्मा शिव के घोर पापाचार और वर्तमान तमोप्रधान कलयुग में अवतरण की यादगार है। वैसे भी भारतीय दर्शन में रात्रि शब्द अज्ञानता और विनाश काल का सूचक है। मनु ने कहा है, आसिदीदम तमोभूतम प्रज्ञानम लक्षणम। अतः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या त्रयोदशी रात्रि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि महाविनाश से थोड़े समय पूर्व परमात्मा के दिव्य अवतरण की यादगार है। ऐसे ही समय में जब ईश्वरीय ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तब ज्योतिर्बिंद स्वरूप परमात्मा शिव अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। शिवरात्रि का रहस्य, परमात्मा शिव पर यथार्थ रूप से क्या चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार से व्रत का पालन करना चाहिए, इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है, तभी स्वयं का और संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। धतूरा
विकार का, बेर नफरत घृणा का और बेलपत्र बुराइयों का प्रतीक है। अतः हमें परमात्मा शिव पर विकारों, विषय वासना एवं बुरी आदतों को चढ़ाना चाहिए, अर्थात त्याग करना चाहिए। वास्तव में शिवरात्रि वर्तमान कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच के समय संगम युग का नाम है, जब स्वयं निराकार परमपिता शिव साकार मानव तन प्रजापति ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर मनुष्यात्माओं से विकारों और बुराइयों का ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर त्याग कराते हैं। अतः शिवरात्रि पर विकारों एवं बुराइयों से व्रत रखें। रात्रि जागरण का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि परमात्मा शिव के वर्तमान समय के अवतरण के काल में हम अपनी आत्मा की ज्योति को जगाएं, अज्ञान निद्रा में सो न जाएं। शिव की बारात का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र, कर्मों की यथार्थ समझ एवं गहन गति का ज्ञान देकर अपने निवास स्थान पर परम धाम ले जाएं। वास्तव में बहुरूपी बाराती मनुष्य के विकृत सूक्ष्म संस्कारों का शास्त्रीय रूपक चित्रण है। अतः शिवरात्रि के महात्म्य और आध्यात्मिक रहस्य को यथार्थ रीति से समझकर मनाने से ही सर्व मनुष्यात्माओं और संसार का कल्याण हो सकता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय जनमानस में यह मान्यता है कि शिव में सृजन और संहार की क्षमता है। उनकी यह भी मान्यता है कि शिव आशुतोष है, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जीवन भर नित्य शिव की पूजा करते रहने पर तथा हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि पर जगराता, व्रत इत्यादि करने पर भी मनुष्य के पाप एवं संताप क्यों नहीं मिटते? उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति अथवा शक्ति क्यों नहीं मिलती? इसे राज्य भाग का अमर वरदान क्यों नहीं प्राप्त होता? आखिर शिव को प्रसन्न करने की सहज विधि क्या है? शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य क्या है? हम सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं? शिव का रात्रि के साथ क्या संबंध है? जबकि अन्य देवताओं की पूजा अर्चना दिन में होती है, शिवरात्रि से जुड़े इन प्रश्नों का उत्तर इसके आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।